खबर है इस वक्त रीवा से, जहां रीवा जिला न्यायालय में एक महिला को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है। यह फैसला चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश पद्मा जाटो द्वारा सुनाया गया है। देर रात हुए इस फैसले में सास की हत्या के आरोप में बहू कंचन कौर को मौत की सजा सुनाई गई। एक ऐतिहासिक फैसले के संबंध में जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक एडवोकेट विकास द्विवेदी ने बताया कि आज से तकरीबन 2 वर्ष पहले 12 जुलाई 2022 को घरेलू विवाद के चलते एक बहू ने अपनी सास की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। इस घटना में हत्या का तरीका इतना क्रूर था कि आरोपी बहू ने सास के ऊपर धारदार हथियार से 90 से अधिक बार हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया था। दरअसल यह पूरी घटना मंगवा थाना क्षेत्र के गंगेव पुलिस चौकी क्षेत्र अतरेला प्लाट गांव की है, जहां सास बहू के बीच घरेलू विवाद चल रहा था। 12 जुलाई 2022 को सुबह तकरीबन 5 बजे आरोपी बहू कंचन कौल ने उस समय अपनी सास सरोज कौल के ऊपर हमला कर दिया जब वह घर पर अकेली थी। बहू ने धारदार हथियार से अपनी सास के ऊपर तकरीबन 90 से अधिक बार हमला किया, जिसके कारण वह मौत की नींद सो गई। मामले में मौके से जुटाए गए सबूतों एवं बयान के आधार पर बीती शाम चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश पद्मा जाटो के द्वारा इस मामले में अहम फैसला सुनाया गया। न्यायालय ने यह माना कि हत्या का तरीका बेहद ही क्रूर था, जिसमें हत्या की आरोपी बहू कंचन कौर को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। इस पूरी घटना में मृतका सरोज कौल के पति और कंचन के ससुर वाल्मीक कौल को भी आरोपी बनाया गया था। हालांकि पुलिस के सामने आरोपी ससुर के द्वारा हत्या के मामले में शामिल होना कबूल किया गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया गया है। यहाँ न्यायालय से मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई थी, क्या अपराध था और क्या मामला है? मामला धारा 302 के तहत था और थाना मनरमा अंतर्गत चौकी गंगेव ग्राम अतरेला की है। इसमें आरोपी वाल्मीक कौल एवं कंचन कौल के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया था। मर्ग प्राप्त होने के बाद मामला जांच में लेते हुए और मामला प्रमाणित पाए जाने पर उनके विरुद्ध अपराध 302 के तहत पंजीबद्ध किए थे। घटनाक्रम क्या था सर? घटना का संक्षिप्त विवरण ये है कि दिनांक 12/7/2022 को सुबह 5 बजे भोर में वो कंचन कौल और अपनी सास सरोज कौल के साथ में घर में रह रही थी और इन लोगों का आपसी कुछ विवाद चल रहा था, जमीनी विवाद या घरेलू कुछ विवाद चल रहा था। इसी के चलते इन्होंने इतने बड़े हत्या जैसे जघन्य अपराध का अंजाम दिया और धारदार हसिया से आरोपी मृतका सरोज कौल को लगभग 90-95 जगह चोटकारित की, जिसके कारण उसको उपचार के दौरान अस्पताल में 1-2 घंटे के बाद मृत्यु हो गई थी। ये माननीय न्यायालय ने कल ये अहम फैसला सुनाया है, कौन सा न्यायालय से ये फैसला? न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रीवा श्रीमती पद्मा जाटव के यहाँ से एक अहम फैसला सुनाया गया और आरोपिया को मृत्यु दंड से दंडित किया गया। अब मृत्यु दंड उसके अपराध को देखते हुए मृत्यु दंड की सजा उसे न्यायालय के द्वारा सुनाई गई है। अब उसमें कई कंडीशन है जिनको दृष्टिगत रखते हुए ऊपर की कोर्ट है, जैसे हाई कोर्ट है और ऊपर जो है उसमें विचार करेगी और उसकी परिस्थितियों को देखते हुए। क्या नाम लिखते थे? मैं एडवोकेट विकास द्विवेदी हूँ। मेरे द्वारा संबंधित अपराध में लगभग 25 साक्षियों की सूची पेश की गई थी, जिसमें से मेरे द्वारा 16 साक्षियों को परिलक्षित कराया गया। जो साक्ष्य आई प्रकरण में वो अखंडनीय रही, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपिया को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई।